अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सवेरे सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर पर प्रतिमा पर पहुंचकर, जहां पर काफ़ी संख्या में अम्बेडकर अनुयायी उपासक उपासक है, बच्चों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पहुंचकर माल्यार्पण किया और उनको अभिवादन किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी प्रकार शाम में अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष अनुसार शाम में भी वार्डों से आकर उपासक उपासक आए महिलाएं बाल बच्चे यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा पहुंचकर कैंडल जलाकर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करते हो, कैंडल पूरे रोड से रैली निकाल कर जैसे इस प्रकार से भीमनगर जो है शिकारपुरा वहाँ से अम्बेडकर अनुयायी बाल बच्चे और महिला उपासक उपासिका वहाँ से पूरे रास्ते से कैंडल रैली निकालकर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा पहुंची, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर अभिवादन किया। तमाम बातों को हम देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर विचारों पर सभी ने प्रकाश डाले, लेकिन एक बात है कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हमने शिक्षित भी होगा, संगठित भी होगा, लेकिन संगठन के आधार पर हजारों संगठन बना लिए। आज समाज जिस प्रकार से हमें एक रूप से दिखना चाहिए था, एक शक्ति नज़र आना चाहिए थी संगठन होकर, आज हम बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि समाज में हम लीडर कम डीलर ज़्यादा हो गए और समाज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जो सामाजिक लोग हैं उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट को बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा को आगे पहुँचाना चाहिए। जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा कारवा अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते कम से कम पीछे नहीं आना चाहिए, इस बात को 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद हमने ये संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में समाज को हमने सामाजिक धार्मिक हर रूप से आगे बढ़ चढ़ कर समाज को एकत्र करना चाहिए। और मेरे सहयोगी साथी सुरेश वानकर के साथ में अनिल सोले, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज हमें तमाम जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने संकल्प लेना चाहिए कि समाज को हमें और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो कारवा बाबा साहब ने छोड़ा था उस कारवा को और आगे हम बढ़ाएं। आइए देखते हैं तमाम न्यूज़ को, तमाम गतिविधि को, अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज 6 दिसंबर, आज के ही दिन 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनका महापरिनिर्वाण दिवस महापरिनिर्वाण हुआ था। और आज कई लोग चैत्य भूमि पर भी जाते हैं, लेकिन आज हमने हमारे बुरहानपुर क्षेत्र में शिकारपुरा से कैंडल मार्च रैली निकाली, सुबह माल्यार्पण का कार्यक्रम किया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। आज बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को इनका परिनिर्वाण हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम सब अम्बेडकर अनुयायी भीमनगर शिकारपुरा से कैंडल मार्च की रैली निकालते हुए बाबा साहब की प्रतिमा के पास अम्बेडकर चौक पोस्ट ऑफिस के सामने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हमें एक संघर्ष करेंगे कि बाबा साहब की जो विचारधारा है विचारधारा पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और पंचशील का पालन करेंगे। महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बुरहानपुर से हमारे शिकारपुरा से रैली का आयोजन किया कैंडल लाइट का। और बाबा साहब के लिए क्या बोलना, बाबा साहब तो खुद ही एक मिशन थे और हम वो मिशन को कायम रखेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी को सद्बुद्धि आए।